टीचर्स न्यूज नाउ यूट्यूब चैनल पर मैं अमलेंद्र कुमार आप सभी शिक्षक बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए आज के आज समाचार पत्र में एक बुरी खबर छपी है। दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि 11 को नहीं होगी समान काम समान वेतन की सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, इसमें आगे लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले की सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई मंगलवार 11 सितम्बर को सूचीबद्ध नहीं है। इसके मद्देनजर सोमवार 10 सितम्बर को सभी शिक्षक संगठनों के अधिवक्ता सुनवाई के लिए सामूहिक रूप से मेंशन करेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार शनिवार को बताया कि समान काम समान वेतन मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे एवं न्यायाधीश उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई 6 सितंबर को अगली सुनवाई की तिथि 11 सितंबर निर्धारित करते हुए निर्देश दिया था कि उस दिन अटॉर्नी जनरल अपनी बात पूरी करेंगे तथा शिक्षक संगठनों के शेष अधिवक्ताओं को भी समय दिया जाएगा तथा यह सुनवाई समाप्त की जाएगी। संगठन के प्रवक्ता के अनुसार अगले सप्ताह 11, 12 व 13 सितंबर में नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 11 में लिस्टेड नहीं है तथा सुनवाई कर रहे दोनों न्यायाधीश अलग अलग बेंच में अलग अलग न्यायाधीश के साथ संबद्ध किए गए हैं। संगठन ने कहा कि राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षक एवं उनके 20 लाख आश्रित टकटकी लगाए हुए थे कि 11 सितंबर को सुनवाई के बाद मामले का प्रक्षेप होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने उम्मीद जताई कि जारी होने वाले पूरक सप्लीमेंट्री सूची में इस केस को शामिल कर लिया जाएगा। इसके पहले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के केदारनाथ पांडे ने आरोप लगाया कि केंद्र एवं राज्य सरकार RTE का उल्लंघन कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देख लिया कि 11 सितंबर को बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। And no one ever would have dared to tread